गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे अंतिम प्रहार श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किए हुए थे अंतिम प्रहार श्रृंखला शुरू करने के लिए, तो प्यारे बच्चे आज आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला शुरू हो रही है, मीन्स रिवीजन बैच आज से आपकी स्टार्ट हो रही है। और 10 से 12 रिवीजन बैच की क्लास लेंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। त्यागे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर का पेपर बनेगा, पूरा 70 नंबर का पेपर 10 से 12 क्लास से मत देंगे, आपको एकदम तैयार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे अब तक क्लास करते चले आए हैं, उन बच्चों के लिए भी ये क्लास है। और खास करके जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं प्यारे, अब आपको 10 से 12 क्लास जो भी रिवीजन बैच की क्लास देंगे, उसमें एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इस समय बहुत महत्वपूर्ण समय चला है और बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू किए हुए हैं, इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। प्यारे जो नीचे लिखे हुए ना, इंग्लिश में अब आएंगे 90+ मार्क्स, तो प्यारे एक पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं, अगर आपने रिविजन बैच लिए हुए हैं और जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही है रिविजन बैच की, अगर आपने दोनों क्लासेस के लिए हुए हैं, तो 90+ मार्क्स के आपके आने में कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए एकदम ध्यान से आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू कर देते हैं। प्यारे क्लास कैसे शुरू करेंगे उसके बारे में पूरा बता देते हैं। तो प्यारे आज शुरू करते हैं फर्स्ट फ्लाइट, मीन्स आपका प्रोज। प्रोज वाले सेक्शन में पता है आपको प्रोज में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, पहले उस टॉपिक को समझो। प्रोज में प्यारे आपका एक पैसेज आता है, पैसेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपका हो गया। और दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, और तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, और चौथी चीज आपका मैचिंग आता है, मीन्स मिलान करने वाला। ये चार चीजें आपकी प्रोज में आती हैं प्यारे, चार चीजें आपकी प्रोज में आती हैं, और चार क्लास में पूरा चारों चीज खत्म कर देंगे। मीन्स आपका प्रोज का जो 15 नंबर का आपका सेक्शन है, 15 नंबर का सेक्शन चार दिन में कंप्लीट करेंगे। और बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा इसमें इस वाली क्लास में आपको 1 घंटे से लंबी क्लास नहीं मिलेगी, 1 घंटा मैक्सिमम होगा। तो 1 घंटे की मैक्सिमम 10 से 12 क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे। तो इसलिए जो है सभी बार बार करें, बहुत महत्वपूर्ण समय चला है। तो अब हम लोग इसमें कैसे कवर करेंगे, आपके आज की क्लास में 5 पैसेज लिए हुए हैं, और पैसेज के बेस जो क्वेश्चन आंसर पूछेंगे उसको लिए हुए हैं। और इसके बाद आपकी ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा, पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं 4 नंबर के आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास लाएंगे, जिससे 25 क्वेश्चन रखेंगे, जो आपके पूरे चैप्टर 5 चैप्टर जो आपका सिलेबस है, 5-6 चैप्टर जो आपका 5-6 चैप्टर जो आपका सिलेबस है, उसमें से पूरे में से कवर करेंगे, पूरे में से 25 क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपका उन्हीं जो है 25 क्वेश्चन में से पूरे गारंटी पूरे भरोसे के साथ कर सकते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनेगा, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे, हर चैप्टर में से दो दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेंगे, 10 लेंगे, 10 में से पूरा मत देंगे आपके किताब का। इसी तरह से आपका 50 मैचिंग लेंगे, 50 मैचिंग वर्ड लेंगे, हर चैप्टर से आपका 5-7-8-10 लेकर के मैचिंग लेकर के चलेंगे, 50 मैचिंग लेंगे, पूरा आपका मत देंगे जो है प्रोज का। तो प्यारे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, ये आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ये आपके एग्जाम की दिशा और दिशा आपकी तय करने वाली है, तो इसलिए ध्यान देना। अब आज हम लोग चलेंगे 5 पैसेज और 5 पैसेज बेस क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज में से 2 क्वेश्चन प्यारे पूछा जाएगा, केवल 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बच्चे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 3-4 क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं, केवल 2 क्वेश्चन रहेगा, और दोनों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो प्यारे 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का आपका पैसेज में से पूछा जाएगा। देखिए हमने यहां पर नीचे लिखे हुए भी है, 2 क्वेश्चन 2+2 चार नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो आज 4 नंबर आपके पक्का होने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं पैसेज को शुरू करते हैं। और पैसेज को शुरू करने से पहले प्यारे यहां पर देखिए आपका चैप्टर फर्स्ट लिखे हुए हैं, पहला चैप्टर लिखे हुए हैं, तो हम लोग पहले चैप्टर के राइटर देख लेते हैं। पहला चैप्टर आपका प्रोज का क्या है, रिलेटेड टू गॉड है। प्यारे पहला चैप्टर आपका क्या है, रिलेटेड टू गॉड है, और उसके राइटर कौन है, जीएल फ्यून्स है। पहले चैप्टर रिलेटेड टू गॉड के राइटर कौन है, जीएल फ्यून्स है। तो प्यारे जीएल फ्यून्स ये राइटर हो गए इस चैप्टर के। अब हम लोग इस चैप्टर से पैसेज लेते हैं,
हर चैप्टर से एक एक पैसेज लिए हुए हैं, किसी में आपका एक दो छोड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में छह चैप्टर है तो छह चैप्टर में से हमने पांच ही लिए हुए हैं, तो एक चैप्टर में से आपका छोड़े हुए हैं नेल्सन मंडेला वाले में से, आप कल ले जाओगे, बता देंगे पूरा प्रारूप, बता देंगे आप कहीं से भी आएगा पैसेज कल ले जाओगे। तो बच्चे पहले पैसेज पे चलते हैं, और पहले पैसेज पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी क्लास टेन के बच्चों को अब आपको शामिल कर लेने हैं, सभी को जोड़ लेने हैं, सबको बताने हैं, 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, 10 दिन में आपका रिवीजन पूरा हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चों को जोड़ लेना, सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचा देना जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यार से देखिए आपका पहला पैसेज है, पहला पैसेज हमने उठाए हुए हैं, देखिए आपका पहले पैसेज, पहले आपको पैसेज का हिंदी अर्थ निकालने हैं, हिंदी अर्थ निकालने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे जाने हैं। तो आपका देखिए पहला पैसेज क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, यस मील टाइम मीन्स या किस समय की बात है, मील मीन्स होता है भोजन, भोजन के समय की बात है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने क्या किया हुआ था, भविष्यवाणी किया हुआ था, मीन्स भोजन के समय का टाइम था, जैसा कि लेंचो भविष्यवाणी किया था, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मीन्स वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी, गिरने लगी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था उसके भविष्यवाणी के अनुसार वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व, नॉर्थ मीन्स आपका उत्तर हो गया, ईस्ट मीन्स पूर्व, उत्तर पूर्व से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मीन्स ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादल को, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, मीन्स आते हुए दिखाई दे सकते थे, मीन्स बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स क्या होता है, आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा कैसी थी, ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, अब भैया हवा ताजी और मधुर थी, मधुर ऐसा नहीं कि उसमें शहद मिल गया था, अरे भैया जो है जब बारिश हुई होती है या बारिश होने वाली होती है तो हवा एकदम मधुर नहीं हो जाती है, बहुत आपके शरीर पे एकदम मजा नहीं आता है फील करने में, वही बात है, इसीलिए स्वीट शब्द का प्रयोग किया गया। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, फ्रेश मीन्स एकदम ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के सिवा और किसी अन्य कारण से वह बाहर नहीं गया। किस मैन की बात हो रही है, यहाँ पर लेंचो की बात हो रही है, तो इसलिए आप समझ जाना। आगे है, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइंस, ये नए सिक्के हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही आकाश से, ये नए नए सिक्के हैं, ये बात जो है कहता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, मीन्स जो है बड़ी बड़ी बूंदे कितने सेंट पीसेस के बराबर है, 10 सेंट के पीसेस के बराबर है, एंड दीज लिटिल वंस, और जो छोटी जो है बूंदे गिर रही है, आर 5 मीन्स 5 सेंट के बराबर है। With a satisfied expression, means संतुष्टि के भाव से, he regarded the field of ripe corn, वह अपने regarded means होता है ध्यान से देखना, regarded means होता है ध्यान से देखना, तो he regarded the field of ripe corn, वह पके हुए अनाज के खेतों को ध्यान से देखता है, with its flower means इसके फूलों के साथ, इसके फूलों के साथ वह बड़े ध्यान से अपने पके हुए खेत को देखता है, draped जो ढक चुका था, इन अ कर्टिन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में, कर्टिन मीन्स होता है एक पर्दा, तो बारिश की चादर या पर्दे के रूप में जो ढक चुका था उसे बड़े संतुष्टि के भाव से उसे क्या करता है, अपने खेतों को बड़े ध्यान से देखता है लेंचो, ठीक है। ये प्यार से आपका पैसेज हो गया। अब इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पैसेज दे देगा और यहाँ से अब प्रश्न पूछेगा और जो उत्तर आपको लिखने हैं इन्हीं पैसेज में से उत्तर आपको लिखने हैं, आपको अपने मन से उत्तर नहीं लिखने हैं, ये पैसेज में दिया हुआ होगा उसका उत्तर, वहाँ से आपको इस पैसेज को जो अर्थ समझ करके आपको लिखने हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए हमने क्या बनाए हुए हैं, When did the rain drops begin to fall? वर्षा की बूंदें कब गिरना शुरू कर दी? तो प्याचे वर्षा की बूंदें कब गिरना प्रारंभ की थी? अब इधर देखो, It was during the meal time ना? That just as Lencho had predicted, means किस समय जो है वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हुई थी? Meal time जो है गिरना शुरू हुई थी ना? देखो पहले ही लाइन में आपका जो है उत्तर मिल गया, देखो big drops of rain began to fall, means meal के समय, means भोजन के समय ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई थी। तो प्याचे पहले ही लाइन में इसका उत्तर मिल गया, तो आपका when did the
दी रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग दी मील टाइम, इस तरह से आप उत्तर लिखोगे, ड्यूरिंग दी मील टाइम मीन्स भोजन के समय दी रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल मीन्स वर्षा की बूंदे गिरना प्रारंभ हो गई, मीन्स ड्यूरिंग दी मील टाइम मीन्स भोजन के दौरान दी रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फ्लाई मीन्स जो है वर्षा की बूंदे गिरना प्रारंभ हो गई। तो प्याची ए आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आपको किस ढंग से उत्तर लिखा रहे हैं। बस आप क्वेश्चन को आधा तो आपका क्वेश्चन हो जाता है, इसमें जब हम लिखते हैं तो आधा तो क्वेश्चन उतार देते हैं, आधा क्वेश्चन लिखने के बाद थोड़ा सा जो मेन उत्तर होता है उसे जोड़ देते हैं। बस यही बार बार आपको कहते हैं आप जोड़ना सीख जाओ, प्रश्न से अगर आप जोड़ना सीख गए तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कवर हो जाता है और ये भी चीजें आपके कवर हो जाते हैं। तो प्याची आपका ए हो गया, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? व्हाट कुड बी सीन, क्या दिखाई दे सकता है अप्रोचिंग इन दी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से आते हुए, उत्तर पूर्व से आते हुए क्या दिखाई देता है? तो प्याची क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई दे सकता था बताओ, क्या दिखाई दे सकता था? यही दिखाई दे सकता था ना, यहां पर देखो नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इस विशाल बादल के पर्वत दिखाई दे सकते थे ना, कहां से? नॉर्थ ईस्ट से आते हुए। देखो यहां पर सीधे लाइन में यूज किया गया है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यही आपका उत्तर है ना। तो आप सीधे उत्तर लिखो, उत्तर क्या लिखोगे? द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मींस जो है बादल के विशाल पर्वत कुड बी सीन। तो प्याचो कुड है जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाना कुड है, सी ओ यू एल डी है कुड है, तो आप उसे समझ जाना टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या हो गया? द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मींस जो है बादल के विशाल पर्वत कुड बी सीन मींस दिखाई दे सकते थे अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट मींस नॉर्थ ईस्ट से आते हुए, उत्तर पूर्व से आते हुए बादल के विशाल जो है पर्वत क्या कर सकते थे, दिखाई दे सकते थे। ए प्याची आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आपने शुरुआत में अ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड जोड़ दिया, बाकी आपने क्वेश्चन को उतार दिया, तो आपका बाकी क्वेश्चन कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट आपने उतार दिया, तो व्हाट के स्थान पे आपने सिंपल सा शब्द यूज किया, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उसके बाद आपका बाकी वाक्य बाकी सेंटेंस आपने उतार दिए हुए। यही आपको कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन से जोड़ना सीख जाओ, आसानी से आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही दो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। दो प्रश्न हो गया पहले, दो प्रश्न हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए करा दे रहे हैं, बाकी आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा पैपचे। आपके बोर्ड परीक्षा में केवल दो ही क्वेश्चन आएगा, यहां पर आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस करा देते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाई, इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द मैन गो आउट, इस वह व्यक्ति बाहर क्यों गया? तो पैपचे बाहर क्यों गया था? अपने बॉडी पे वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया हुआ था ना, तो क्या हो जाएगा? द मैन गो आउट फॉर द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सीधे आपका दिया हुआ था, ये सीधे आपका दिया हुआ था, अपनी बॉडी पे जो है वह प्लीजर आनंद लेने के लिए जो है वह बाहर गया हुआ था, तो क्या हो जाएगा? द मैन गो आउट फॉर द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो प्यार ये हो गया। और जिन बच्चों की इसकी कहानी नहीं समझ में आ रही होगी, जो बच्चे कहानी इसके नहीं पढ़े हुए, लेटर टू गॉड की जो बच्चे कहानी नहीं पढ़े हुए हैं, दो मिनट में अंतिम में समरी बता भी देंगे और इसके साथ साथ हमने कराए हुए भी है मैराथन क्लास जो सुबह चली हुई है, मैराथन क्लास डायमंड अकेडमी क्लासेस 2.0 पर, डायमंड अकेडमी क्लासेस 2.0 पे जो मैराथन क्लास ढाई घंटे की सुबह चली हुई है, उसमें हमने चैप्टर की समरी बताई हुई है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आपने उस क्लास को अटेंड की हुई है, चैप्टर की समरी हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई होगी तो दो मिनट में यहां पर समरी अभी लास्ट में बता देंगे। तो प्यारे ये हो गया आपका व्हाई डिड दी मैन गो आउट, मीन व्यक्ति बाहर क्यों गया, तो आपका हो जाएगा द मैन गो आउट फॉर द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया हुआ था। आप यहां पर खोज सकते हो, यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपका लिखा हुआ है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आपको मिल गया वहां पर लिखा हुआ था सीधे, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन पे आपसे, चौथा क्वेश्चन आपका देखिए क्या बनाए हुए हैं, फ्रॉम वाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे किया गया था? तो प्याचे वर्षा की बूंदों की तुलना किससे किया गया है, सिंपल सा, आपने वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की हुए है, यहां पर देखिए लास्ट लाइन, यहां पर दे आर न्यू क्वाइंस, वे नए सिक्कों के समान है ना, लास्ट लाइन आपने यहां पर देखा, दे आर न्यू क्वाइंस, वे नए सिक्कों के समान है। तो प्याचे आपका क्या हो जाएगा, वर्षा की बूंदों की तुलना आपने किससे कर दिया, कैसे लिखोगे, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर, हैव बीन में ऊपर उत्तर दिया था तो हम उसी में उत्तर लिखेंगे, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड
टू न्यू कॉइन्स मीन्स नए सिक्कों से उसकी तुलना की गई है। ये आपका हो गया, ये चार क्वेश्चन आपके हो गए पर्चे, आपका पैसेज कंप्लीट हो गया। हमने चार क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में केवल दो प्रश्न बनेगा, हमने चार क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। एक चीज और ध्यान देना पर्चे, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसकी राइटर कौन है, चैप्टर का नाम और राइटर भी पूछ सकता है। तो चैप्टर का नाम, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही बने हुए हैं, लेकिन जो है चैप्टर का नाम पहले आया करता था, इस बार नया सिलेबस है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो है प्रैक्टिस सेट जो दिए हुए हैं उसमें भी कम उसका प्रयोग किए हुए हैं, लेकिन आ भी सकता है जो पहले आया करता था तो इसलिए आ सकता है। तो पहले चैप्टर का नाम, ये पैसेज का चैप्टर का नाम आप पहचान जाओगे कैसे, ना जान लेंचो शब्द यूज हो जाए तो समझ जाना ये आपका पहला चैप्टर है रिलेटेड टू गॉड। अगर पूरे पैसेज में लेंचो शब्द कहीं आपको दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि ये आपका रिलेटेड टू गॉड का जो है ये पैसेज है, तो आप समझ जाना आपका चैप्टर का नाम रिलेटेड टू गॉड हो जाएगा। इसके राइटर कौन है, जीएल फ्यूंट्स है, आप याद रखना राइटर कौन है, जीएल फ्यूंट्स है, तो जीएल फ्यूंट्स को नाम को याद रखना। अब यार जी इसकी दो मिनट में समरी देखो, समरी तो आपको कंठस्थ करा देंगे, अभी हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ समरी बताएंगे, अभी इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताएंगे उसमें भी थोड़ा समरी बताएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसका बताएंगे उसमें भी समरी बताएंगे, मल्टीपल चॉइस मैचिंग टाइप क्वेश्चन में चलेंगे उसमें भी समरी बताएंगे, एकदम आपको कंठस्थ कराने वाले हैं। तो अभी करें ना, अभी तो आपने पहली क्लास शुरू किए हुए हैं, तो आपको चारों पाँचों क्लास करिए ना, आप जितनी मैराथन ये आपकी रिविजन बैच की क्लास चलेगी ना करिए ना, आप देखिए अगर लास्ट में आपको नतीजा क्या मिलेगा, आपको बेहतर ढंग से हर चैप्टर की जो है कुंडली पता चल जाएगी, पूरी जन्म कुंडली निकल जाएगी। अब चैप्टर की समरी समझो पर्चे, एक लेंचो व्यक्ति होता है, लेंचो एक जो है पुअर फार्मर होता है, एक गरीब किसान होता है और जो अपनी फसल जो है उगाया हुआ होता है और उस फसल को नीडेड होती है बारिश की, नीडेड होती है लेकिन बारिश की उम्मीद कर रहा होता है और बारिश होती भी है, इतना धुआंधार बारिश हो जाती है, ओले पड़ने लगते हैं कि उसकी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। वह मना रहा था कि उसकी केवल बारिश थोड़ा सा हो, लेकिन पूरी इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पूरी फसल पूरा ओला पड़ करके नष्ट हो जाती है, और नष्ट हो जाती तो एक पत्र लिखता है भगवान को पत्र लिखता है, तो जो वहां के एम्प्लॉइज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारियों ने उस पत्र का जो है वहां पर जो पोस्टमास्टर था, पोस्टमास्टर ने उस पत्र को रिसीव किया, तो एक बार तो उसने हंसा कि कैसा बेवकूफ व्यक्ति मिल गया है जो भगवान को पत्र लिखा हुआ। फिर उसने सोचा कि जो है कि इसके जवाब दिया जाए, इसके पत्र का जवाब दिया जाए, क्योंकि जो है पत्र का जवाब देंगे तो क्योंकि इसका इस इंसान का इतना विश्वास है भगवान में, तो भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए वह पत्र का जवाब देता है। और जवाब में जो है उसने पत्र में लिखा होता है कुछ 100 पीसोस की जरूरत है, 100 पीसोस में जो है अब पोस्टमास्टर इतना कलेक्ट नहीं कर सकता था, तो उसने 70 पीसोस कलेक्ट किया, 70 पीसोस के बाद कलेक्ट करके उसने पत्र सौंप दिया लेंचो को सौंपा। तो लेंचो ने सोचा कि 30 पीसोस ये जो है एम्प्लॉइज जो चुरा लिए, यहाँ के जो पोस्टल ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उन्होंने 30 पीसोस चुरा लिया, ऐसा लेंचो ने सोचा। उसके बाद फिर उसने दोबारा पुनः पत्र लिखा कि भगवान जो है बाकी जो बची हुई 30 पीसोस है उसको भी आप भेज दीजिए, लेकिन जो है पोस्टल के माध्यम से, इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, बेईमानों के झुंड है। खत्म प्यार बच्चे, दो मिनट में आपकी समरी खत्म। उम्मीद करते हैं आपको रटा गया होगा, जो नए बच्चे आए हैं उन्हें भी रटा हो गया होगा कैसी समरी है। ये समरी प्यार बच्चे बहुत काम देने वाली है आपको, बहुत काम देने वाली है समरी, क्योंकि जो है जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर आपको समरी पता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जो हम यहां पर चैप्टर छोड़ते हैं, दूसरा चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम छोड़ते हैं, उसमें से आपका पैसेज नहीं लिए हुए हैं, क्योंकि 5 ही पैसेज कराने थे आपके, 6 चैप्टर टोटल है, 5 पैसेज कराने थे, तो हमने इस चैप्टर को छोड़े हुए हैं, वहां से ज्यादा हमें बनने की ज्यादा उम्मीद भी नहीं दिख रही, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो हमने मैराथन क्लास में आपको बताए हुए हैं वहां से कैसे करने हैं, वो भी हमने उसके बारे में बता चुके हुए हैं। हालांकि केवल जो है हम यहां पर उसके पैसेज छोड़ रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसके भी 5 क्वेश्चन लेंगे, होती है और हिटलर जो है नाजी जाति से हिटलर बिलोंग करता है और यहूदियों से बहुत नफरत करता है, तो कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें भेज दिया जाता है, वो बात की बात है, लेकिन जो इसमें कहानी है कि वह एक पत्र लिखती है
है, वो 15 साल की उम्र में जो है वह एन फ्रैंक मर जाती है, लेकिन एक पत्र लिखती है, उसके पहले पत्र नहीं होता है, वो डायरी लिखती है, जिस डायरी के नाम उसने किटी रखा हुआ है, अपने डायरी के नाम किटी रखा हुआ है। वह अकेले होती है, किसी से ज्यादा बात बात नहीं करती है, तो इसलिए डायरी में अपनी भावनाओं को लिखती है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहते हैं, जिनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, वे अपनी भावनाओं को जो है डायरी में ही लिखते हैं। तो अपनी भावनाओं को वह डायरी में लिखती है, और डायरी में लिखती है तो अपने जो है टीचर के बारे में बताती है, अपने परिवार के बारे में बताती है, और टीचर उसके एक मैथ के टीचर हुआ करते थे, मिस्टर किसिंग टीचर हुआ करते थे। वह जो उसको चैटर बॉक्स पे मिस बातूनी पे उन्होंने एक निबंध दिया हुआ था लिखने के लिए, और क्योंकि ये बहुत बात करती थी, ये जो है एन फ्रैंक बहुत बात करती थी, तो बातूनी पे उन्होंने कहा था निबंध लिखने के लिए। फिर जो है उसने दूसरा इंकरेजिबल चैटर बॉक्स पे दिया, मिस ऐसी बातूनी जो सुधर न सके, और तीसरा क्विक जो है क्विक चैटर बॉक्स पे दिए हुए थे मिस ए, तीन प्रकार के उन्होंने ऐसे दिया हुआ था लिखने के लिए, और लास्ट में वो भी जो है मॉडरेट हो गए थे, वो भी जो है फिर दोबारा उसे कभी काम नहीं दिए तीसरे ऐसे के बाद, तीसरे निबंध को लिखने के बाद। तो प्यार ये इसकी कहानी है, एन फ्रैंक की कहानी है। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग पैसेज में चलते हैं, एन फ्रैंक की कहानी आप समझ गए होंगे, तो आप पैसेज में चलते हैं। पैसेज प्यार यहां पर देखिए, पैसेज आपका है, आई गेट एलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। अब देखो एन फ्रैंक कहती है, मिस 15 साल की बच्ची की उम्र में इसकी डेथ हो गई थी एन फ्रैंक के, तो अब यहां पर क्या कहती है, आई गेट एलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरी सभी शिक्षकों से अच्छी बनती थी, प्रीटी वेल मीन्स होता है अच्छी बनना, मेरी सभी टीचरों से अच्छी बनती थी, देयर आर 9 ऑफ देम, वहां पर 9 टीचर थे, 7 मेन एंड 2 वुमेन, 7 पुरुष टीचर थे और 2 स्त्री टीचर थी, मिस्टर किसिंग दी ओल्ड फॉगी, मिस्टर किसिंग जो पुराने ख्यालात वाले थे, फॉगी मीन्स होता है पुराने ख्यालात वाले, मिस्टर किसिंग जो पुराने ख्यालात वाले थे, हु टीचेड मैथ्स, जो हमें क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, वाज एनॉयड विथ मी, मुझसे जो है क्रोधित थे, फॉर एजेस मीन्स युगों से वह मुझसे क्रोधित थे, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए मेरे मैथ वाले टीचर मिस्टर किसिंग युगों से हमसे क्या थे, क्रोधित थे। वैसे लड़की लोग तो बहुत बतियाती ही हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे, लड़के लोग सब जानते हैं, लड़की लोग बहुत बतियाते हैं, इन्हें बतियाने का मौका मिल जाए ना तो जो है ये हमेशा बतियाती ही रहे, ठीक है। आप आगे देखो, आफ्टर सेवरल वार्निंग सीन्स, बहुत सारी चेतावनी देने के बाद, ही असाइंड मी, वो उन्होंने मुझे एक काम सौंप दिया, क्या काम सौंप दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, मीन्स अतिरिक्त होमवर्क दे दिया, एंड इसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, उन्होंने कह दिया कि एक विषय मीन्स चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, जिसका मतलब होता है बातूनी विषय पर उन्हें हमें इसे मीन्स निबंध लिखने के लिए कह दिया। आगे देखिए, चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, मीन्स आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। वह सोचती है, एन फ्रैंक सोचती है कि जो है चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो, बातूनी के बारे में आप कौन से टॉपिक लिखोगे। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, फिर सोचती है I had worry about that letter. मैं इसके बारे में चिंतित होंगी, वरी मीन्स चिंतित होना, मैं इसके बारे में चिंतित होंगी, आफ्टर मीन्स बाद में, मीन्स इस लेटर, इस जो है लेटर के बारे में मैं बाद में चिंतित होंगी, मीन्स इस ऐसे के बारे में मैं बाद में चिंतित होंगी। I decided, मैंने निर्णय लिया, I jotted down the title, मैंने जो है jotted down मीन्स होता है लिख लेना, I jotted down the title, हमने शीर्षक को लिख लिया, in my notebook, अपने notebook में हमने शीर्षक को लिख लिया, tucked it in my bag, और उसे मैंने अपने बैग में, अपने बस्ते में डाल लिया, उसे लिखने के बाद अपने बैग बस्ते में डाल लिया, ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश किए, और शांत रहने की क्या किए, कोशिश किए। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, रेस्ट मीन्स बाकी बचे हुए, अपने बाकी बचे हुए होमवर्क को पूरा करने के बाद, द नोट अबाउट द इसे काट माई आई, मीन्स जो इसे मीन्स जो निबंध लिखना था उस पर हमारी नज़र पड़ी, क्योंकि वह शीर्षक तो लिख चुकी थी, तो जो उसको ऐसे लिखना था तो उस पर उसकी क्या पड़ी, आँख पड़ी, मीन्स आई मीन्स आँख पड़ना, मीन्स उसकी नज़र उस पर गई। तो प्यार जी ए इसमें पैसेज में दिए हुए हैं, मैथ के इसमें पैसेज में क्या है आपका, पैसेज में सिंपल सा है, मिस्टर किसिंग मैथ के टीचर होते हैं और वह उससे क्रोधित होते हैं, काहे को, क्योंकि यह बहुत बात करती है, तो इसलिए पनिशमेंट के रूप में वह उसे एक टॉपिक चैटर बॉक्स टॉपिक पे जो है निबंध लिखने के लिए दे देते हैं, और जो है ये उस समय तो रख देती है, बैग में रख लेती है, लेकिन बाद में जब घर जाती है, घर जाने के बाद वह क्या करती है, उस टॉपिक को अदर अन्य रेस्ट ऑफ होमवर्क मीन्स अन्य जितना होमवर्क था उसे करने के बाद उसकी नजर जाती है चैटर बॉक्स पे। तो प्यार से यहां तक इस पैसेज में है, और इस पैसेज में यहां तक है, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन आंसर आ गया है, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं पैरचे, और क्वेश्चन आंसर पे जल्दी से इसके चलते हैं, 4 क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है। यहां पर नंबरिंग गलत है, 2-3-4 से हमने स्टार्ट कर दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन शायद छूट गया है,
एक क्वेश्चन शायद पैराचेज का छूट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चार ही क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन शायद इसमें है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हु वाज हर मैथ टीचर, उसके मैथ के टीचर कौन थे, कौन सा क्वेश्चन छूटा है उसे भी आपको बता देंगे। तो लेकिन पहला क्वेश्चन है क्या, हु वाज हर मैथ टीचर, उसके मैथ के शिक्षक कौन थे। तो प्यारे मैथ के शिक्षक कौन है, आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाएगा, हु वाज हर मैथ टीचर, उसके मैथ के टीचर कौन है, मिस्टर किसिंग ही उसके मैथ के टीचर थे ना। तो आप सीधे डायरेक्ट लिखोगे मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग उसके क्या थे, मैथ के टीचर थे। तो आपका इस तरह से जो है डायरेक्ट हो जाएगा, इस तरह से आपका डायरेक्ट हो जाएगा, मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग उसके मैथ के टीचर थे। ये पर्ची आप इस तरह से लिख दोगे, आपने ऊपर देखी ना मिस्टर किसिंग टीचर थे ना, तो मैथ के उसके, तो इस तरह से आप लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर किसिंग एनवायर्ड ऑफ एन फ्रैंक, व्हाट, हाँ ये वाई, अच्छा वाई है, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनवायर्ड ऑफ एन फ्रैंक, मिस्टर किसिंग जो है एन फ्रैंक से क्यों एनवायर्ड मीन्स क्रोधित हो गए थे, क्यों क्रोधित थे। तो पर्ची क्यों क्रोधित थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए क्रोधित थे ना, इसीलिए क्रोधित थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा बात करती थी ना। तो पर्ची ऐसी इसी तरह से हो जाएगा, मिस्टर किसिंग वाज एनवायर्ड ऑफ एन फ्रैंक, मिस्टर किसिंग जो है एन फ्रैंक से क्रोधित थे, बिकॉज क्योंकि सी टॉक्ड सो मच, वह बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए मिस्टर किसिंग उससे जो है क्या थे, एनवायर्ड थे, उससे क्रोधित थे। पर्ची आपको यहां पर देखो अपने सीधे उत्तर मिले हुए हैं, यहां पर देखिए, फागी हु टीचर्स मैथ्स वाज एनवायर्ड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती थी इसलिए उनसे युगल से क्रोधित थे। तो क्यों क्रोधित थे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा बात करती थी। तो आपने इसके उत्तर लिख दिए, और सारे उत्तर हम पैराग्राफ में से ही लिख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कि अपने मन से लिख रहे हैं, सारे आपके पैराग्राफ से लिख रहे हैं। तो पर्ची आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे चलते हैं, और दो ही क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन ही हो गया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। दो क्वेश्चन हमने करा दिए, केवल दो ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो इसलिए ज्यादा आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर्क वाज असाइंड टू एन फ्रैंक फॉर बीइंग टॉकेटिव, मींस टॉकेटिव मींस बातूनी होने की वजह से उसे कौन सा कार्य सौंप दिया गया था। तो पहले बातूनी होने की वजह से उसे कौन सा कार्य सौंप दिया गया था, तो कौन सा कार्य उसे सौंप दिया गया था, यही कार्य सौंप दिया गया था जो चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए ना, निबंध चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए उसे सौंप दिया गया था ना। आप सीधे लिख दोगे एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट एट चैटर बॉक्स, मीन्स एक निबंध जो है विषय चैटर बॉक्स विषय पर एक निबंध लिखना, वह जिससे असाइंड उसे सौंप दिया गया था टू एन फ्रैंक फॉर बीइंग टॉकेटिव, मीन्स बातूनी होने की वजह से एन फ्रैंक को जो है चैटर बॉक्स विषय पर जो है निबंध लिखने के लिए सौंप दिया गया था। ए पर्ची आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया, हमने 4 जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो हालांकि पर्ची इसमें 3 ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं और टाइपिंग मिस्टेक में हमने 4 कर दी हुई है, इसका चौथा भी क्वेश्चन आपको एक और बना देते हैं, इसका आपका चौथा क्वेश्चन एक और आप बना लो, 4 क्वेश्चन आप कर लो। पर्ची चौथा क्वेश्चन जैसे, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ एन फ्रैंक विद हर टीचर्स, एन फ्रैंक का संबंध कैसे था, एन फ्रैंक का संबंध कैसे था किससे, विथ हर टीचर्स, मिस शिक्षकों से। आप बताओ एन फ्रैंक का संबंध शिक्षकों से कैसे था, टीचर्स से कैसे था। पहले ही लाइन में आप देखो पर्ची, आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरी सभी शिक्षकों से अच्छी बनती थी। तो कैसे उनका संबंध, उसका संबंध था, एन फ्रैंक का कैसे संबंध था, क्यों कैसे था, गेट गॉट अलॉन्ग प्रीटी वेल, मीन्स अच्छा संबंध था। तो आप यही लाइन जोड़ दोगे, डायरेक्ट लिखोगे द रिलेशन ऑफ एन फ्रैंक विथ हर टीचर्स वॉज वेरी गुड, ऐसे भी कह सकते हो, मिस एन फ्रैंक और टीचर के बीच रिश्ता बहुत अच्छा था, ठीक है। तो जो है इस तरह से आप लिख सकते हो। पर्ची ए आपका पैराग्राफ हो गया, और हमने 4 क्वेश्चन इसके बेस करा दिए हुए हैं, एन फ्रैंक के आधार पे, मीन्स जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो आपका चैप्टर था, इस आधार पे हमने 4 क्वेश्चन आपका इस पैसेज के आधार पर करा दिए हुए हैं, और इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। और आपकी बोर्ड परीक्षा में कहीं अगर इस तरह से आ जाए मीन्स ये वर्डिंग आ जाए, एन फ्रैंक कहीं पर आपको मिल जाए, या फिर जो है आपको डायरी से संबंधित जो टीचर का नाम क्या था, जो मिस्टर किसिंग करके शब्द मिल जाए, मिसेस क्यूपरस करके शब्द मिल जाए, ऐसे जहां शब्द मिल जाएंगे आप समझ जाओगे चैप्टर कौन सा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, वहां से आपको लिखने हैं। तो पर्ची वो आपका चैप्टर है, समझ जाओगे, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। ये आपका तब दूसरा पैसेज कंप्लीट होता है, ये पर्ची आपका दूसरा पैसेज कंप्लीट होता है यहीं पर।
आप चलते हैं हम लोग तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पैसेज देखते हैं आपका, तीसरा पैसेज हमने लिए हुए हैं चैप्टर नंबर 4 से, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मीन्स भारत की झलक। तो प्यारे बच्चे भारत की झलक में कितने चैप्टर हैं आपके, इसमें तीन सेक्शन है। तो तीन सेक्शन आपके कौन कौन से हैं, पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा किसके द्वारा लिखा गया है, लूसियो रोड्रिग्यूज के द्वारा लिखा गया है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दूसरा चैप्टर आपका कुर्ग है, कुर्ग किसके द्वारा लिखा गया है, लोकेश एब्रोल के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है टी फ्रॉम असम मीन्स चाय जो है असम से जो है अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे इस पैसेज में चलने से पहले इसमें एक ही पैसेज लिए हुए हैं और इस सभी की कहानी जान जाते हैं। पहला चैप्टर आपका है अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो उसमें जो है बेकर मीन्स होता है जो पावरोटी बनाते हैं, पावरोटी जो बनाते हैं उसी को बेकर बनाते हैं। पहले जो है गोवा में जो है पाव भाजी बनाने, पावरोटी बनाने वाले लोग रहा करते थे। तो जब वह पुर्तगालियों के अधीन था तब वहाँ पाव रोटी बनाने वाले लोग रहते थे, बाद में पुर्तगाली चले गए, लेकिन फिर भी बाद में भी लोग जो है जो उनके पूर्वज थे जो वहाँ से सीख गए थे, जो भट्टियाँ थी वो आज भी चल रही थी, और जो वहाँ के जो निवासी थे वो अब जो है ये बेकर्स बनाने लगे थे, बेकरी का काम करने लगे थे। तो वह बेकर्स की कहानी बताई हुई है इस चैप्टर में, अ बेकर फ्रॉम गोवा में, गोवा के बेकर्स की कहानी बताई हुई है, किस तरह से वे आते हैं, उनके बंबू में एक थट की आवाज़ होती है, जब आते हैं चलते हैं तो थट आवाज सुनाई देती है, वो अपना कहां पर लिखते हैं, हिसाब किताब कहां पर लिखते हैं, वो सारी चीजें बताई गई हैं। और मैराथन क्लास में उसका आपको मैराथन जो लाइव मैराथन क्लास मिलेगी उसका समरी आपको मिल जाएगा। तो समरी के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, मैराथन क्लास जो सुबह मैराथन क्लास चलती है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर, उसमें आपको पूरा समरी मिल जाएगा। पर्चे तीन चैप्टर की जैसे आपको समरी करा दिए हुए हैं, उसी तरह से कल आपको जो है पूरे चैप्टर की समरी मिल जाएगी सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक, 8-8:30 बजे तक 2.5 घंटे की मैराथन क्लास चलती है, उसमें हर चैप्टर की आपको विस्तार से समरी वाइज बता रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको समरी नहीं पता है तो आप वहां से जुड़ जाइएगा। तो प्यारे ये हो गया अगला चैप्टर, यहाँ तो बहुत 60 में समरी बता रहे हैं। जो है अगला चैप्टर है कुर्ग, कुर्ग जो है एक प्लेस है कर्नाटक में, कुर्ग प्लेस है और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है, वहाँ के लोग कैसे शक्तिशाली होते हैं, और इसमें बताया गया है कि कुर्ग के लोग कैसे आ गए हैं, कहाँ के निवासी हैं कुर्ग के लोग, कुर्ग के लोग क्या क्या पहनते हैं, और वहाँ पर उन्हें जो लाइसेंस बिना लाइसेंस के वह हथियार रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें कुर्ग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में है, एक प्लेस है, स्थान है, एक जिला है, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा आपका था टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम से हमने इस पैसेज को बनाए हुए हैं। टी फ्रॉम असम क्या है, इसमें जो है कहानी है किसकी, किसके बीच कहानी है, प्रांजल और राजवीर के बीच कहानी है। प्रांजल असम का रहने वाला होता है और राजवीर उसका दोस्त होता है दिल्ली का, तो दोनों आते हैं घूमने के लिए। प्रांजल को क्योंकि असम का ही रहता है तो छुट्टियों के दिनों में असम के लिए वह घूमने के लिए जो है राजवीर को कहता है, राजवीर उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है, और आने के बाद जो है दोनों देखते हैं, और राजवीर काफ़ी एनालिसिस किया हुआ है, काफ़ी रिसर्च किया हुआ है जो है टी के बारे में, क्योंकि टी जो है असम में सबसे ज़्यादा जो है देश की सबसे ज़्यादा टी असम में ही बनाई जाती है, पाई जाती है। तो इसलिए उन सारी चीज़ों पर वह एनालिसिस किया हुआ है, काफ़ी अच्छे इसकी पकड़ है, जानता है, तो वह जाता है घूमने के लिए। तो प्रांजल और राजवीर जाते हैं, तो सारी चीज़ें उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो सारी चीज़ें उसमें बताया गया है। टी फ्रॉम असम में, असम में किस प्रकार से चाय की खेती होती है, कितना अधिक होती है, और चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई है, वो सारी चीज़ें टी फ्रॉम असम में चर्चा किया गया है। तो प्यारे यही है टी फ्रॉम असम, और इसकी समरी आपको सुबह वाली क्लास से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो समरी में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिल जाएगा, पूरे की समरी बताते हुए चल रहे हैं। जो बच्चे आज की क्लास सुबह की अटेंड किए होंगे वो बच्चे जानते होंगे। पैसेज नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, दे सिप्ड दी स्टीमिंग हॉट लिक्विड, दे सिप्ड उन्होंने चुस्कियाँ लिए, दी स्टीमिंग मीन्स भापयुक्त, हॉट मीन्स गर्म, लिक्विड मीन्स जो है द्रव, मीन्स गर्म द्रव का, भापयुक्त गर्म द्रव की उन्होंने क्या किया, चुस्की ली। अब उन्होंने मीन्स किसकी बात हो रही है, प्रांजल और राजवीर की बात हो रही है, प्रांजल और राजवीर ने गर्म जो है चाय की चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट लगभग एवरी वन इन दियर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, मीन्स लगभग सभी लोग कंपार्टमेंट मीन्स जो ट्रेन में बोगी में सभी लोग थे, लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी, लगभग 80 करोड़ चाय के कप आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में एक दिन में पिए जाते हैं। क्या आपको पता है कि पूरे संसार में 80 कप चाय एक दिन पिए जाते हैं, राजवीर से, राजवीर ने कहा। राजवीर कौन है, दिल्ली का है, प्रांजल वहाँ के निवासी है, राजवीर उसके साथ जा रहा है घूमने के लिए जा रहा है। तो राजवीर ने कहा प्रांजल से कि आपको पता है कि जो है कि पूरे विश्व में 80 करोड़ कप जो है एक दिन में चाय पिया जाता है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल आश्चर्य व्यक्त करता रही, इतना टी रियली
टी रियली इज वेरी पॉपुलर, टी मीन्स चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है, चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखो, द ट्रेन पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मीन्स होता है स्टेशन से निकलना, द ट्रेन पुल्ड आउट, ट्रेन स्टेशन से निकलती है। आप द स्टेशन देखो, यहाँ पर शब्द भी दिया है, ट्रेन स्टेशन से निकलती है। प्रांजल बरीड हिज नोज, प्रांजल अपनी नाक को लगा लेता है, अर्थात जो है व्यस्त हो जाता है। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, अपनी जो है डिटेक्टिव बुक मीन्स डिटेक्टिव पुस्तक, जासूसी की पुस्तक पढ़ने में पुनः जो है प्रांजल क्या हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। प्रांजल असम का ही रहने वाला है, तो उसे ये जो चाय देख रहा है, ये जो बाहर देखता है ट्रेन के बाहर जो चाय देखता है, चाय की खेती देखता है, तो वह उस सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि वह असम का ही रहने वाला है प्रांजल, तो अपनी जासूसी की किताब में वह क्या हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। ये पैरची आपका इस जो है स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, इस चीज़ को देखो पैरची। यहाँ पर देखो, हु आर दे, वे कौन है, तो हु आर दे मीन्स वे कौन है, तो वे किस, हु आर दे मीन्स वे किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो दे किसके लिए है, दे प्रांजल और राजवीर के लिए था। आपका पहले पैराग्राफ में है ना, दे सिप्ड दी स्टीमिंग हॉट लिक्विड मीन्स उन्होंने गर्म चाय पी, तो उन्होंने में कौन कौन से हैं, प्रांजल और राजवीर हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रांजल एंड राजवीर, तो आपका सिंपल सो हो जाएगा, दे रिफर्स टू प्रांजल एंड राजवीर। दे किसको रिफर करता है, प्रांजल और राजवीर को रिफर करता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड क्या है, हॉट लिक्विड मीन्स गर्म जो है, गर्म द्रव क्या है, गर्म द्रव ही तो चाय है, गर्म द्रव ही तो चाय है आपका, तो सिंपल सो हो जाएगा, द हॉट लिक्विड इज टी मीन्स गर्म द्रव ही क्या है, चाय है। प्यारे सीधे यूज किया गया है ना कि स्टीमिंग हॉट लिक्विड मीन्स जो है भाप युक्त जो है गर्म द्रव पी रहे थे, तो गर्म द्रव किसके लिए बोला गया है, चाय के लिए बोला गया है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, सीधे लिख दो, दी हॉट लिक्विड इज टी हो जाएगा, सीधे सटीक सा हो गया। आगे बढ़ते हैं पैरचे, आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपके दो ही प्रश्न आएंगे, दो प्रश्न जो हमने यहाँ पर करा दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट ऑफ राजवीर पॉइंट्स टू दी पॉपुलरिटी ऑफ टी मीन्स कौन सा वक्तव्य जो है चाय के प्रसिद्धि के बारे में दिखाता है, तो जो है राजवीर का कौन सा वक्तव्य जो है चाय की प्रसिद्धि के बारे में दिखाता है, तो प्याचो जो उसने कहा हुआ था प्रत्येक दिन जो है 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, तो यही तो उसकी चाय की प्रसिद्धि के बारे में दिखाता है ना, तो सिंपल हो जाएगा, राजवीर स्टेटमेंट दैट ओवर 80 करोड़ ऑफ कप्स मींस 80 करोड़ कप्स ऑफ टी मींस 80 करोड़ चाय का कप आर ड्रंक पी जाती है एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड मींस पूरे संसार में एक दिन, ठीक है, यही चीज पॉइंट्स टू दी पॉपुलरिटी ऑफ टी, यही जो है चाय की प्रसिद्धि को दिखाता है। ये जो उसने बोला हुआ था राजवीर ने कि पूरे विश्व में 80 करोड़ कप डेली चाय पी जाती है, तो यही उसके प्रसिद्धि का, प्रसिद्धि को क्या करता है, दिखाता है। तो प्यारची ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक ढंग से इस तरह से हम क्या कर देंगे, उत्तर लिख देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डिड प्रांजल डू आफ्टर द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन को शुरू होने के बाद जो है प्रांजल ने क्या किया, तो प्यारची प्रांजल क्या हो गया था, अपनी किताब में व्यस्त हो गया ना था ना, लास्ट वाले पैराग्राफ में देखो प्रांजल लिखा हुआ होगा, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से बड़ी, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक, तो आपका यहां पर दिया हुआ था प्रांजल अपना दिमाग जो है व्यस्त कर लेता है डिटेक्टिव मीन जासूसी किताब पढ़ने में, तो आपका कैसे लिख दोगे, After the train started means ट्रेन के शुरू होने के बाद प्रांजल started to read, प्रांजल पढ़ना शुरू कर देता है his detective book again means अपनी जो है जासूसी की किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। पहले सिंपल हो गया, वो अपनी जासूसी की किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज ड्रंक वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट टाइम मीन्स synonyms पूछा हुआ है पहले, synonyms मीन्स होता है वही शब्द का अर्थ जो है कोई दूसरे शब्द के रूप में प्रयोग होना, तो पैची यहां पर दिया है विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द है, विच मींस जिसका मतलब है, द सेम मींस यही मतलब है, जो इसका मतलब है ड्रंक वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट ए टाइम, एक समय में बहुत कम मात्रा में पिया जाना, एक समय में बहुत कम मात्रा में पिया जाना, क्या था, सिप्ड था ना, वे लोग सिप कर रहे थे ना, चाय पी रहे थे ना, चुस्कियां ले रहे थे ना, चुस्कियां में ही तो जो है कम मात्रा में चाय पी जाती है, तो आपका सिप्ड हो जाएगा, सीधे लिखोगे द वर्ड सिप्ड मींस, मींस शब्द सिप्ड का मतलब है ड्रंक वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट अ टाइम, एक जो है समय में बहुत कम जो है पीना, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत कम जो है रूप में पीना आपका ये सिप्ड होता है। तो प्यारची ये आपका सिप्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखो आपका सिप्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सिप्ड का प्रयोग देखो किया गया है,
हाँ दे शिफ्ट शुरुआत ही प्रयोग किया हुआ है, शुरुआत में ही दे शिफ्ट वे चाय की सुस्कियां ले रहे थे, द स्टीमिंग हॉट लिक्विड मीन्स गर्म जो है भापयुक्त गर्म द्रव का। तो प्यारे सिप मीन्स क्या होता है, कम मात्रा में चुस्कियां लेते जो है कोई द्रव जो लेते हैं वही आपका सिप होता है, ठीक है। कम मात्रा में एक समय कोई पी चीज पीते हैं लेकिन कम मात्रा में पीते हैं तो आपका सिप्ट वही होता है। ये आपका प्यारे आपका हो गया, आपका ये चैप्टर हो गया टी फ्रॉम असम से, हमने एक पैसेज ले लिए हुए हैं। ये आपका तीसरा पैसेज प्यारे बच्चे कंप्लीट हो गया। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से आसानी से पैसेज आएगा, आप आसानी से कर ले जाओगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आप कॉन्सेप्ट समझते चलो। अगर आपको समरी मेन पता हो गई चैप्टर की तो आप आसानी से कर ले जाओगे, और हर एक चैप्टर की समरी एकदम विस्तार से सुबह वाली मैराथन क्लास में बता रहे हैं, लाइव क्लास में पूरी लाइव क्लास आपको दे रहे हैं मैराथन क्लास, ठीक है। तो उसमें हर चैप्टर की समरी विस्तार से बता रहे हैं, इसके साथ साथ आपको कुछ पैसेज भी बता देते शॉर्ट लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, अभी अलग से श्रृंखला लेकर के भी चलेंगे तब भी उसमें भी बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चे ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, अगले चैप्टर का जो है पैसेज लेते हैं। अगला चैप्टर आपका पांचवा चैप्टर हमने लिए हुए हैं, मैडम राइट्स दिवस। मैडम राइट्स दिवस किसके द्वारा लिखा गया है, वल्लीकन्नन के द्वारा लिखा गया है, वल्लीकन्नन के द्वारा लिखा हुआ है आपका मैडम राइट्स दिवस है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जल्दी से हम लोग इस चैप्टर का मैडम राइट्स दिवस का पैसेज शुरू करते हैं। और पैसे शुरू करने से पहले प्यारे बच्चे जो बच्चे इस समय लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वे देखिए यहाँ पर लिखे हुए डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे चले जाएंगे, 2.0 पे चले जाएंगे। एक मैराथन क्लास हो चुकी है जिसमें तीन चैप्टर आपका अप्रोच का पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हुए हैं, तो इसलिए आप लाइव क्लास अटेंड करिएगा प्यारे बच्चे, मैराथन क्लास होती है आपकी। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे चौथे पैसेज पे। चौथा पैसेज आपका क्या है, मैडम राइट्स दी बस है वल्लीकन्नन के द्वारा लिखा हुआ। इस चैप्टर की समरी क्या है, बस इसमें छोटी सी एक लड़की का नाम है वल्ली, वल्ली छोटी सी लड़की का नाम है जो उसके सामने से एक बस होकर के गुजरती है, और बस होकर के गुजरती है तो उसकी भी इच्छा होती है कि बस की वह सवारी करे, और जब सवारी करने की उसकी इच्छा होती है तो वह किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके सवारी करती है, और छोटी सी बच्ची होती है 8-10 साल की छोटी सी बच्ची होती है, सवारी करती है। सवारी करने के बाद जो है उसे बहुत खुशी होती है और बहुत विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखती है, जब बस की सवारी करती है बस पर यात्रा करती है तो विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखती है और बस से कुछ ना कुछ सीखती है। तो सीखने का यही कहानी ही आपका जो है मैडम राइट्स दी बस है, मीन्स मैडम मीन्स उस वल्ली के लिए प्रयोग किया गया है, मैडम राइट्स मीन्स जो है सवारी करना, दी बस मीन्स बस की सवारी की हुई है, तो मैडम राइट्स दी बस यही हो गया है, यही आपका चैप्टर है। बाकी इसका पूरा डिटेल्स जो है डिटेल इसकी समरी आपका सुबह वाली क्लास में डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे जो मैराथन क्लास चल रही है, लाइव मैराथन क्लास चली उसमें आपको मिल जाएगा। तो प्यारे अब देखिए यहाँ पर पैसेज, यहाँ पर क्योंकि 60 बताने हैं, ठीक है, जिससे पूरा आपका 8-10 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए ना। तो प्यारे यहाँ पर देखिए पैसेज नंबर 4 हमने लिखे हुए हैं, पैसेज नंबर 4 क्या है, डे आफ्टर डे मीन्स दिनों दिन सी वाच दी बस, वह बस को देखती रहती थी, एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, एक छोटी सी इच्छा उसके सर में घुस गई, मीन्स उसके दिमाग में छोटी सी इच्छा घुस गई, एंड ग्रू दियर और फिर वह बढ़ती चली गई, सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस पर सवारी करना चाहती थी, इवन जस्ट वंस, यहाँ तक केवल एक ही बार वह उस बस पर सवारी करना चाहती थी, दिस विश बिकम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, इच्छा उसके अंदर और मजबूत होती चली गई, आगे है अंटिल इट वाज ओवरवेलमिंग डिजायर, और तब तक और मजबूत और मजबूत होती चली गई जब तक यह तीव्र इच्छा में परिवर्तित नहीं हो गई, ओवरवेलमिंग मींस होता है तीव्र, डिजायर मींस इच्छा, जब तक यह तीव्र इच्छा में नहीं जो है परिवर्तित हो गई तब तक उसकी वह विस्त और मजबूत होती चली गई, वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, वल्ली बड़े ध्यान से बड़ी इच्छापूर्वक, विस्टफुली मीन्स होता है उत्कंठापूर्वक या इच्छापूर्वक जो भी कहना हो कह सकते हो, वल्ली वुड स्टेयर, वल्ली ध्यान से देखती रहती थी, विस्टफुली मीन्स उत्कंठापूर्वक बड़े ध्यान से, एट दी पीपल मीन्स लोगों को, हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस, जो बस में चढ़ते थे और जो बस से उतरते थे वह उन लोगों को बड़े ध्यान से देखती थी, व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वह सड़क के किनारे पर बस रुकती थी तो जो लोग उस पे चढ़ते थे जो लोग उतरते थे वह उन्हें बड़े ध्यान से देखती थी। आगे देखो दियर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, दियर फेसेस उनके चेहरे, किंडल मीन्स होता है आपका जो है बढ़ा देना उत्तेजित कर देना, तो दियर फेसेस उनके चेहरे उड किंडल मीन्स उत्तेजित कर देते थे, इन हर लॉन्गिंग्स मीन्स उसकी इच्छाओं को उनके चेहरे जो बस से उतरते थे वह जो है उसको उत्तेजित कर देते थे, मीन्स जो है वो उसकी इच्छा को बढ़ा देते थे बस राइड की, ठीक है।
ड्रीम्स उसके सपनों को बढ़ा देते थे एंड होप्स और उम्मीदों को बढ़ा देते थे, मींस उत्तेजित कर देते थे। ये हो गया। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड ऑन द बस, यदि उसके दोस्तों में से कोई बस की सवारी करता एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ टाउन टू हर, और अपनी तरह से शहर के दृश्यों को बताने की कोशिश करता, वल्ली वुड टू बी जेलस टू लिसन, तो वल्ली से सुनने में जेलस मींस ईर्ष्या करती थी एंड वुड शाउट और उस पर चिल्ला देती थी, इंग्लिश मींस अंग्रेजी में प्राउड प्राउड, और अंग्रेजी में वह उससे प्राउड प्राउड क्या कर देती थी, चिल्ला देती थी। हालांकि जो है कि वो इसका अर्थ नहीं जानती थी कि प्राउड का अर्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी में प्राउड प्राउड चिल्ला देती थी। ए प्यारचे हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन बना हुआ है, हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में सी कौन है, तो सी पहला वाक्य प्यारचे क्या है, डे बाई डे सी वाज द बस, वह जो है बस को ध्यान से देखती थी, तो किसकी बात हो रही, वल्ली की बात हो रही ना, तो आपका वल्ली हो जाएगा। सी इन द फर्स्ट सेंटेंस इज वल्ली, सिंपल से लिख देंगे, सी इन द फर्स्ट सेंटेंस मीन सी जो है पहले सेंटेंस पहले वाक्य में इज वल्ली, मीन्स उसमें वल्ली है, वल्ली के बारे में बात हो रही है ना, कि जो है देखते देखते यही तो बात है यहाँ पर, कि डे आफ्टर डे सी वाज दी बस, मीन्स दिनों पे दिनों पे दिन जो है वह बस को क्या कर रही थी, वाज कर रही थी, मीन्स वल्ली की बात हुई है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, वल्ली हो जाएगा। देखो इसी तरह से सिंपल से आसान से प्रश्न बन रहे हैं, कोई टफ प्रश्न नहीं प्यारचे बना हुआ है, तो इसलिए आपको पैराग्राफ इसे करना तो उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से कर ले जाओगे। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, How did she develop a longing for the bus ride? वह बस राइड के लिए कैसी इच्छा जो है डेवलप कर ली थी, तो प्यारचे कैसे इच्छा डेवलप कर ली थी, बार बार बस को देख रही थी, उसे उसके अंदर इच्छा डेवलप हो गई थी ना, तो सिंपल हो जाएगा, एज सी लुकड एट दी बस डेली, जैसा कि वह बस को प्रत्येक दिन देखती थी, अ टीनी विश टुक बर्थ इन हर माइंड, तो उसके अंदर उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा जन्म ले ली, इफ ग्रीव इन टू अ डिजायर, और यह डिजायर में चेंज हो गई एंड देन इन टू अ लॉन्गिंग टू बस टू राइड दी बस, और फिर उसके बाद यह इच्छा परिवर्तित हो गई, उसकी चाहत हो गई राइट ऑन दी बस, मीन्स बस की सवारी की जाए, उसके बाद वह उसकी इच्छा बस की सवारी करने में चेंज हो गई। ये पर्चे आपका दूसरा क्वेश्चन था, बहुत आसान दूसरा क्वेश्चन था, दो ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पे चलते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पे चलते हैं, अलग क्वेश्चन पे चलते हैं, अलग क्वेश्चन आपका क्या है, अतिरिक्त क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं, व्हाई डिड सी लुक सैडली, वह क्यों दुखी पूर्वक दिखती थी एंड लॉन्गली और इच्छा पूर्वक दिखती थी एट दी पैसेंजर ऑफ दी बस, मीन्स जब पैसेंजर जो बस के पैसेंजर को देखने के बाद वह दुख पूर्वक दुखी और जो है लॉन्गली इच्छा पूर्वक क्यों दिखती थी, क्योंकि वह बस राइड करना चाहती थी, बस में सवारी करना चाहती थी, इसलिए वह दुखी जो है दिखती थी, तो आप सिंपल से लिख दोगे सी लुकड एट देम सो, वह उन्हें उस तरह से देखने के बाद, बिकॉज मीन्स ऐसा इसलिए क्योंकि सी आल्सो वांटेड टू द बस राइड, क्योंकि वह जो है बस राइड करना चाहती थी, बस की सवारी करना चाहती थी, इसे आप इस तरह भी कह सकते हो, सी लुक्ड सैडली एंड लॉन्गली, सी लुक्ड सैडली एंड लॉन्गली बिकॉज सी आल्सो वांटेड टू द बस राइड, इस तरह से कह सकते हो, ठीक है, एक तरह से और कह सकते हो, सी लुक्ड सैडली एंड लॉन्गली एट द पैसेंजर ऑफ द बस बिकॉज सी आल्सो वांटेड दी बस राइड, क्योंकि वह बस राइड करना चाहती थी, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो किसी भी प्रकार से आप प्रश्न को लिखो, बस अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये पर्चे आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, व्हेन डिड सी से, वह कब कहती प्राउड प्राउड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में वह घमंडी घमंडी कब बोलती थी, तो कब बोलती थी, जब उसके साथ की कोई सहेली जो है शहर जाती थी और जाके आने के बाद उसका भौकाल बनाती थी इससे, तो जो है वह प्राउड प्राउड उन्हें कहती थी ना, तो आप सिंपल से लिख दो, व्हेन वन ऑफ हर फ्रेंड्स हु हैपेंड टू विजिट द टाउन ऑन बस, जब कोई उसके दोस्तों में से कोई शहर जाता था एंड डिस्क्राइब हर द साइट्स ऑफ टाउन, और शहर के दृश्यों के बारे में बताता था, आउट ऑफ जेलसी मीन्स नफरत की वजह से, सी उड से वह कहती थी प्राउड प्राउड, मीन्स वह क्या कहती थी, घमंडी घमंडी नफरत की वजह से वह कहती थी। प्यारचे सीधे लाइन यूज हुआ है आपके पैसेज में, हमने उत्तर वहीं से लिखाए हुए हैं, कहीं अपने मन से कोई उत्तर नहीं लिखा रहे हैं, आपके जो बोर्ड परीक्षा में जो आपके पैसेज दिया हुआ है उसी में से केवल लिखा रहे हैं, ठीक है। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखो प्यारचे, पांचवा क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स जिसका मतलब है टू सेट अलाइट फीलिंग्स,
अपनी फीलिंग्स को एलाइट करना मीन्स जागृत कर देना, मीन्स अपनी भावनाओं को जागृत करना जो है कौन से शब्द दिखा रहा है, तो पेप्ची एक शब्द किंडल यूज हुआ था, किंडल मीन्स होता है भावनाएं जागृत करना मीन्स उत्तेजित करना, उत्तेजित करने का क्या हो जाएगा किंडल हो जाएगा, तो पेप्ची वो कौन सा शब्द है कि टू सेट एलाइट फीलिंग्स मीन्स भावना को उत्तेजित करना कौन सा शब्द है किंडल है, तो सिंपल वर्ड हो जाएगा द वर्ड किंडल मीन्स टू सेट एलाइट फीलिंग्स मीन्स भावनाओं को जगाना उसका अर्थ है किंडल ही उसका अर्थ होता है, किंडल आपका क्या है यहाँ पर प्रयोग हुआ शब्द है, तो प्याचो सिंपल सा आपने लिख दिया द वर्ड किंडल मीन्स टू सेट एलाइट फीलिंग्स, ये आपका हो गया पांचवें क्वेश्चन का उत्तर, आपका पांचवा चैप्टर का भी हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी आएगा पैप्ची आप कर सकते हो, बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना और चैप्टर की थोड़ा सा समझ रखना, थोड़ा सा समरी लिखो रखो समझ में आएगी समरी आपको पता होगी तो आप आसानी से कर ले जाओगे, भले ही आपका आपको जो है उसकी हिंदी अर्थ अच्छी तरह से ना आए तो भी आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, भले ही हिंदी अर्थ ना उसकी आए लेकिन फिर भी आप कर ले जाओगे, बस आपको संदर्भ निकाल करके अगर संदर्भ कहानी पता है तो क्योंकि उत्तर तो आपको आधा ही उसी से पता चल जाएंगे, कहानी से उत्तर पता चल जाते हैं, तो इसलिए मेन बात होती है कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं पैरचे चैप्टर नंबर 6 द सर्मन एट बनारस, ये आपका बेटी रेंसा के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, द सर्मन एट बनारस मीन्स सर्मन मीन्स होता है धार्मिक उपदेश, एट बनारस मीन्स बनारस में, बनारस में धार्मिक उपदेश दिया गया, तो पैरचे ये आपकी कहानी किसकी है, दो मिनट में कहानी बता रहे हैं, बहुत लंबी यहाँ कहानी नहीं बता सकते इसलिए दो मिनट में कहानी बता रहे हैं, ये कहानी आपकी किसकी है गौतम बुद्ध की कहानी है, गौतम बुद्ध का जो है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या होता है सिद्धार्थ होता है, तो वह जो है कम उम्र में ही पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए जाते हैं लेकिन 16 वर्ष की उम्र में वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं तो उनका शादी विवाह हो जाता है, तो 25 वर्षों तक अपने जीवन का भोग जो है वो भोगते हैं मीन्स अच्छे से अपनी शादी वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं, 16 साल की उम्र में शादी हुआ 25 साल तक वैवाहिक जीवन अच्छे से व्यतीत किए, उसके बाद जो है एक दिन वह गरीबों को देखते हैं जो है एक शव यात्रा देखते हैं कुछ दृश्यों को देखते हैं तो उसके बाद उनकी आत्मा परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तित हो जाती है तो फिर जो है वो इतना दुखी होते हैं सोचते हैं कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से छोड़ करके निकल जाते हैं, 25 वर्ष की उम्र तक घर को छोड़ करके चले जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहली बार उन्हें बनारस में उन्होंने पहला अपना जो है क्या दिए हुए थे प्रिंस क्या कह सकते हैं उसको अपना लेक्चर दिए हुए थे सरमन दिए हुए थे सरमन कह सकते हैं धार्मिक उद्देश्य पहला ही अपना सरमन दिए हुए थे बनारस सिटी में ही दिए हुए थे इसलिए चैप्टर का नाम पड़ गया द सरमन एट बनारस में, उस बनारस में दिया हुआ उनका उपदेश और सरमन किसको दिए थे एक स्त्री किसा गौतमी थी उसका बेटा मर गया था, बेटा मरने के बाद वह पगला गई थी, पगलाने के बाद जो है वह कह रही थी कि अपने बेटे को जिंदा कर दिया जाए मीन्स मेरे बेटे को जिंदा कर दिया जाए तो गौतम बुद्ध ने उसे समझाए हुए थे अपनी भाषा में कि जो व्यक्ति आया हुआ है उसकी मृत्यु होती है उसके लिए उन्होंने जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कहा था कि तुम ऐसे घर से जो है एक मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तो किसा गौतमी जाती है चारों तरफ टहलती है लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, सभी के घरों में किसी न किसी की मृत्यु हुई ही होती है इसलिए जो है उसे सरसों का बीज कहीं से भी नहीं मिलता है और वह समझ जाती है कि जो है कि डेथ क्या है शाश्वत है मीन्स इस सबके अंदर आने वाली है इवन लास्टिंग है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है डेथ पर विजय पाई नहीं जा सकती है यही उपदेश उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपका हो गया दी सरमन एट बनारस की कहानी हो गई, आगे चलते हैं प्यारे पैसेज में आ जाते हैं इसके पैसेज में, ये आपका अंतिम पैसेज है पांचवा और अंतिम पैसेज है, देखते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था 563 BC से 483 BC में इतने के बीच में इनका जन्म हुआ था, बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ अपने जीवन की शुरुआत सिद्धार्थ के नाम मीन्स राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ के नाम से किए हुए थे मीन्स ये राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ जो हाँ फिर से देखो गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस मीन्स राजकुमार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत किए हुए थे नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया मीन्स उत्तरी भारत में इनका नाम क्या था सिद्धार्थ गौतम था उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था, ये अपने जीवन की शुरुआत जो है राजकुमार के रूप में किए हैं, एट 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू साकीड स्क्रिप्चर्स ही वॉज सेंट वह उन्हें भेज दिया गया था फॉर स्कूलिंग इन दी हिंदू साक्रेट मीन्स स्कूलिंग में शिक्षा दीक्षा के लिए इन दी हिंदू साक्रेट मीन्स हिंदुओं के पवित्र स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धर्म ग्रंथों के बारे में
एंड हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों के बारे में इन्हें अध्ययन करने के लिए बाहर भेज दिया गया था। 12 वर्ष की उम्र में ही बाहर इन्हें भेज दिया गया था एंड 4 years लेटर और 4 वर्ष की अवस्था में ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। वह जो है घर वापस आते हैं टू मैरी अ प्रिंसेस मीन्स एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। मैं 16 वर्ष की अवस्था में वह जो है 16 वर्ष अवस्था मतलब समझ रहे हो आपकी अवस्था, आप ही की अवस्था में वह वापस आते हैं और वापस आते हैं तो क्या होता है उनकी शादी हो जाती है 16 वर्ष की अवस्था में। अब कुछ लड़का लोग सोच रहे होंगे कि सर जी हमारा ब्याह हो जाए तो और मजा आ जाएगा। भैया वो पहले का जमाना था, आपका ब्याह नहीं होगा। अब आपको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी ना तब तक कोई छोकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि लड़की लोग अब क्या देखती हैं, नौकरी अगर लड़का के पास है तो तब तो ठीक ठाक है और लड़का के पास नौकरी है तो समझो बेकार इंसान है, निठल्ला इंसान है, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात पहले नौकरी खोजो उसके बाद छोकरी खोजना। तो प्याची ये बात हो गई, आगे चलते हैं। आगे है आपका दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बीफिटेड रॉयल्टी, और पूरे राजसी ढंग से, रॉयल्टी में होता है राजसी ढंग से, और पूरे राजसी ढंग से 10 वर्षों तक उन्होंने जीवन व्यतीत किया। 10 वर्षों तक जीवन बड़े राजसी ढंग से व्यतीत किया। आगे देखो एट अबाउट द एज ऑफ 25 मीन्स 25 वर्ष की अवस्था के आसपास द प्रिंस सिद्धार्थ हियरटोफोर शील्डेड, अभी तक जो ढके हुए थे सुरक्षित थे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के कष्टों से अभी तक सुरक्षित थे। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, जब वह शिकार पे निकले हुए थे तो मौका ही ऐसा मिल गया था कि एक बीमार व्यक्ति को देखे, देन एन एजेड मैन, फिर उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उसके बाद जो है एक जो है फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार करने के लिए जो प्रोसेशन मीन्स जुलूस होता है, दाह संस्कार का जो जुलूस होता है उसे देखे, एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में एक मंक मीन्स साधु को देखे बेगिंग फॉर आर्म्स, भीख मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था, अंत में भिक्षा मांगते हुए एक साधु को देखे। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, ये दृश्य उन्हें इतना अधिक परिवर्तित कर दिया कि वह इस देश में इस संसार में जो है शांति इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए, इस संसार में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। आगे है कंसर्निंग दी सारो ही हैड विटनेस्ड मीन्स उससे संबंध है, किससे संबंध की बात हो रही है, जो उन्होंने देखा हुआ था, जो दृश्य देखे हुए थे उनसे संबद्ध हो दृश्यों के लिए जिसके वे विटनेस बने हुए थे, दृश्यों के दुख के लिए जिसके वे विटनेस बने थे मीन्स साक्षी बने थे, जिन दृश्यों के वे साक्षी बने थे उन दृश्यों से संबद्ध संबंध जो है संबद्ध जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ज्ञान एकत्रित करने के लिए वह संसार में निकल पड़े। तो प्याची ये आपका पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा इन चाइल्डहुड, बचपन में गौतम बुद्ध का नाम क्या था। तो प्याची सीधे आपका जो है सीधे लाइन दिया हुआ है कि बुद्ध का गौतम में शुरुआत में नाम क्या था, प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, तो नाम क्या था सिद्धार्थ गौतम था। सीधे उत्तर सटीक से लिखो सिद्धार्थ गौतम वाज द नेम ऑफ द प्रिंस बुद्धा इन चाइल्डहुड मीन्स राजकुमार बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो प्याची इस तरह से हम लिख देंगे सिद्धार्थ गौतम वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा इन चाइल्डहुड मीन्स बचपन में सिद्धार्थ गौतम का नाम जो है गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था। ये प्याची आपका हो गया। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन एट व्हाट एज गौतम बुद्धा रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ, किस अवस्था में उन्होंने अपने राजकुमार के जीवन को छोड़ दिया था, त्याग दिया हुआ था, तो कौन सी अवस्था थी, 25 साल के थे ना, 25 साल के थे जब उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया ना। तो सीधे लिखेंगे एट द एज ऑफ 25 मीन्स 25 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्धा रिनाउंसेस द प्रिंसली लाइफ, गौतम बुद्ध जो है अपने राजकुमार के जीवन को छोड़ दिए मीन्स 25 वर्ष की अवस्था में ही अपने राजकुमार के जीवन को छोड़ दिए। ये प्यारची आपका दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन व्हाट डिड गौतम वांट टू नो मीन्स गौतम क्या जानना चाहते थे, तो क्या हो जाएगा गौतमा वांटेड टू नो एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान के बारे में जानकारी जानना चाहते थे। कंसर्निंग दी सारो ही हैड विटनेस्ड जो संबंधित था, कंसर्निंग मीन्स होता है संबंधित, जो संबंधित था दैट सारो मीन्स उस दुख से ही हैड विटनेस्ड जिसके वे साक्षी बने थे, जिन दुखों के वे साक्षी बने थे उनका वह क्या था संबंधित था, उससे संबंधित वह ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े, तो उसी से संबंधित वह ज्ञान प्राप्त करना चाहते
थे हम इस दुखों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ए पैरचे हो गया सिंपल से सीधे गौतमा वांट टू नो इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की सीख जो है प्राप्त करना चाहता था। कंसर्निंग दिस आरो जो दुखों से संबंधित था ही हैड विटनेस जिसका वह जो है शिकार हुआ था जिसका साक्षी हुआ था जिन दुखों का साक्षी हुआ था उन दुखों का जो है वह क्या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। ठीक है उससे संबंधित जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। ये हो गया चौथा क्वेश्चन आप पहले यहाँ पर देखिए वा गौतमा लिव्ड अ लाइफ ऑफ प्लेजर गौतम जो है एक आनंद का जीवन जिए एलॉन्ग विथ हर वाइफ अपनी पत्नी के साथ फॉर अबाउट कितने समय तक गौतम बुद्ध ने अपने पत्नी के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत किया तो कितना समय व्यतीत किए हुए थे 10 ईयर्स व्यतीत किए थे ना 16 में शादी हुई थी 25 के लास्ट तक छोड़ दिए थे मीन्स 10 साल के आसपास हुआ ना तो आपका 10 साल दिया हुआ है पांच पहला 5 ईयर्स दिया हुआ है दूसरा 10 ईयर्स तीसरा 15 ईयर्स चौथा 20 ईयर्स तो आपका क्या हो जाएगा 10 ईयर्स 16, 10, 26 होता है लेकिन 25 का अंत था तो इसलिए जो है 10 साल मान लेते हैं तो आपका करीब उत्तर क्या हो जाएगा 10 साल हो जाएगा तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का बी सही हो जाएगा। क्या एक क्वेश्चन हमने यहाँ से बना दिए हुए हैं राइटर से हु इज द राइटर ऑफ द पैसेज इस पैसेज का राइटर कौन है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम दीज लाइंस हैव बीन टेकन और इस चैप्टर का नाम क्या है जहाँ से ये लाइनें ली गई हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से लिखने के सबसे बेहतर तरीका है नेम ऑफ द लेसन लिखोगे दी सरमन एट बनारस मिस चैप्टर का नाम दी सरमन एट बनारस और नेम ऑफ द राइटर क्या करोगे बेटी रेंसा करोगे सीधे बेटी रेंसा कर दोगे जैसे लिखे हुए हैं तो आपका नेम ऑफ द चैप्टर हो गया नेम ऑफ द राइटर हो गया और नेम ऑफ द लेसन हो गया आपका पैरचे काम खत्म हो गया। और इसी काम समाप्त के साथ साथ एक क्लास भी पूरी तरह से कंप्लीट होती है। इस क्लास में हमने लगभग हर चैप्टर के पैसेज किए हुए हैं आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न बनेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में पैसेज भी इसी प्रकार से 2 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे 2-2 नंबर के रहेंगे। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा 2-4 ठो प्रैक्टिस करना हो तो आप प्रैक्टिस कर लेना बाकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कहीं से भी आएगा आप बिल्कुल तैयार हैं अब बोर्ड परीक्षा देने के लिए 4 नंबर आज आपके पूरी तरह से पक्के हो गए। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 4 नंबर पैसे पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से जो है समझ में आ रही होंगी। तो पैरचे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले पैरचे अगर आपको चैप्टर की समरी नहीं पता है तो हमने यहाँ पर देखिए सेकंड चैनल लिखे हुए हैं डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर उसमें हर चैप्टर की समरी के साथ साथ आपकी मैराथन क्लास लेके चल रहे हैं तो आप उस क्लास से जरूर जुड़ जाइएगा। आप इसी तरह से यूट्यूब पर सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 तो आपको समरी की क्लास मिल जाएगा आप वहाँ से जरूर जो है जुड़ जाइएगा मैराथन क्लास से। ठीक है तो आज की क्लास यहीं पर जो है समाप्त करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास टेंथ के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे पैरचे ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास टेंथ के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास मिलते हैं तब तक आप लोग ध्यान रखना अपना अपने परिवार का ध्यान रखना लव यू ऑल प्यारे बच्चों।